रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोग सब सही होंगे। आज मैं आप सबको अपने किचन में मजेदार सी तवा कलेजी बनाना सिखाऊंगी। झटपट तैयार हो जाती है और बहुत मजे की बनती है। इंग्रेडिएंट मेरे पास कुछ यूं है। मैंने ली है बीफ कलेजी आधा किलो, 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च है, 1 टीस्पून कुटा हुआ सफेद जीरा है, 1 टीस्पून मेरे पास सफेद मिर्ची है पाउडर, आप चाहे तो काली मिर्च का पाउडर भी ले सकते हैं, 1 टेबल स्पून मेरे पास कुटा हुआ साबुत धनिया है, 1 टीस्पून चाट मसाला है और 1/2 टीस्पून नमक है, 3 टेबल स्पून मेरे पास लेमन जूस है, 4 मैंने हरी मिर्च ली है, 1 टीस्पून मेरे पास कुटा हुआ अदरक है और 1 टीस्पून ही मेरे पास कुटा हुआ लहसुन है, पिसा हुआ हम यूज नहीं करेंगे। अब हमने इसके अंदर मैरिनेशन करनी है। कुटा हुआ अदरक लहसुन मैंने इसमें डाल देना है, साथ ही सारे स्पाइसेस डाल देने हैं, लेकिन नमक और चाट मसाला ये आप अभी ना डालिएगा, से आपकी कलेजी थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी। ये हम जब हाफ कुक हो जाएगी कलेजी उस टाइम पे हम इसको डालेंगे। साथ ही हाफ लेमन जूस मैं इसमें डाल दूंगी और हाफ मैंने बचा लिया है, ये मैं बाद में यूज करूंगी। और अब मैं इसको मिक्स कर दूंगी। अब मैंने मिक्स कर दिया है मसाला इसका और मैं इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख रही हूँ। आप चाहे तो हाफ आवर भी रख सकते हैं, लेकिन मैरिनेट जरूर करें ताकि जो भी मसाला है वो अच्छे तरीके से अब्सॉर्ब हो जाए आपकी कलेजी के अंदर। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी 1 घंटे के लिए। देखिए कलेजी को मैरिनेट हुए हुए आधा घंटा हो चुका है। अब मैंने इस तवे के ऊपर 6 टेबल स्पून ऑयल डाला है, आप चाहे तो ज्यादा भी यूज कर लीजिएगा। और अब मैं इसके ऊपर कलेजी डालूंगी। एहतियात से डालूंगी क्योंकि देखिए साइड जो है तवे की हमारे पास कुछ धारा नहीं है, ऑयल ऐसा ना हो अचानक से बाहर आ जाए। आपके पास अगर बड़ा तवा नहीं है तो कोई मसले की बात नहीं है, आप इसको कढ़ाई में या फ्राइंग पैन में भी बना सकते हैं। अब इसको मैं 2 चम्मच की मदद से एहतियात के साथ इस तरह से मिक्स कर दूंगी। हमने इसको तरह से पकाना है। फ्लेम को मैंने इस टाइम पे मीडियम लो रखा हुआ है। थोड़ा सा इसका पानी जब कलेजी का ड्राई होगा तो उस टाइम पे फिर मैं इस फ्लेम को मीडियम कर दूंगी। इस तरह से आप दोनों स्पून की मदद से चलाते रहना है इसको। तकरीबन 10 मिनट तक मैं इसको इसी तरह से फ्राई करूंगी। देखिए अब इसका पानी जो है कलेजी का थोड़ा ड्राई हो चुका है। अब मैंने फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर लेना है। मीडियम फ्लेम के ऊपर मैं 10 मिनट तक इसको इसी तरह से उलट पलट करके फ्राई करती रहूंगी। बहुत मजे की खुशबू आ रही है, जबरदस्त थी ये, बनता भी बहुत मजे की है ये कलेजी, चटपटी थी, मजेदार थी, जूसी जूसी थी। अब देखिए ये हाफ डन हो गई है, 5 मिनट हो गए मुझे इसको इस तरह से पकाते हुए। हमने चाट मसाला जो निकाला था 1 टीस्पून वो मैं अब इसमें शामिल कर दूंगी, साथ ही इसमें नमक भी डाल दूंगी। अब नमक शामिल करने से ये होगा कि हमारी कलेजी जो है वो सख्त नहीं होगी और बहुत मजे की नरम नरम सी जूसी जूसी की बनेगी। और अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। और इसी तरह से 5 मिनट तक मजीद इसको पकाऊंगी। देखिए यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं कलेजी को इस तरह से मैंने फ्राई करते हुए। अब इसके अंदर मैंने शामिल कर देना है हरी मिर्ची जो मैंने आपको दिखाई थी, साथ ही लेमन जूस जो हमने हाफ बचा लिया था वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और बस 2 से 3 मिनट में इसको मजीद पकाऊंगी और फिर ये डन हो जाएगा।
देखिए बिल्कुल कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है इसका पानी कलेजी का, और कलेजी भी गल चुकी है। ये मैं आपको चेक करके भी दिखा देती हूँ, आराम से डूब गई। चले जी, ये हो गई है हमारी डन, और अब मैं कर रही हूँ इसका फ्लेम ऑफ, और अब मैं आपको उसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो जनाब हमारी मजेदार सी तवा कलेजी यहाँ तैयार हो चुकी है, बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है, मजेदार चटपटी सी है। आप इसको घर की रोटी से या तंदूरी नान से खाएं, ये बहुत मजे की लगेगी। ट्राई करें रेसिपी और अपने कमेंट्स में मुझे जरूर बताया कीजिए कि आपको कैसी लगी मेरी बताई हुई रेसिपी। वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला नई रेसिपीज के साथ फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।